नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी, खबर लहरिया की संपादक। मैं अभी बांदा में खड़ी हूँ और अपने छत के ऊपर खड़ी हूँ। 9 बज चुके हैं। बांदा में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। पूरा बांदा में दिवाली की जैसे सीन दिखाई दे रही है। चूँकि इतना अंधेला है तो सब लोगों, मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अपील किए थे कि आज के दिन 9:09 तक सब लोग दिया जलाएंगे और कोरोना को भगाएंगे। उन्होंने अपील किया था कि कामना करेंगे। आज मैं देख रही हूँ कि दिया के अलावा कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं। बांदा के चारों तरफ पटाखों की दड़दड़ाहट सुनाई दे रही है। लोग शंख बजा रहे हैं, लोग ताली भी बजा रहे हैं, लोग थाली भी बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुछ आवाज़ें मेरे अगल बगल से सुनाई दे रही होंगी, थाली की, ताली की, शंख की, और सबसे ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ कि पटाखों की। ये जो खुशियाँ मैंने देखी थी दिवाली में कि लोग इतना खुशी मनाते हैं, पटाखे छुटाते हैं, या शादी ब्याह हैं, या जब किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी अगर इस तरह का उछाव बधाव होता है तो हम बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज जब अपना देश इस परिस्थिति से गुजर रहा है, इस तरह की मुसीबतें हमारे देश में हैं, मेरा दिल दुखित भी है। क्योंकि बहुत सारे भूखे लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिला, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। आज ही सुबह महुआ ब्लॉक से एक महिला का फ़ोन आया था। वो महिला विधवा हैं और वो बोल रही थी कि मेरे पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, लाल वाला, लेकिन मुझे अनाज नहीं मिला है। मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति भी नहीं हैं। और मैंने फिर कोटेदार से बात किया और मैंने उनसे कहा कि आप इनको राशन दीजिए। इसी तरह से दिल्ली से फ़ोन आए, आज गुजरात के मज़दूरों का फ़ोन आया और मज़दूरों ने कहा कि वो गुजरात में साड़ी की छपाई करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं और मालिक ने उनको निकाल दिया है। कई दिनों से उनके घर में खाने के लिए नहीं है। मैं ये बात यहाँ पर कर, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ। लेकिन जब भी कोई चीज़ें इतना एक्स्ट्रा होती हैं तो कि जहाँ पर ये अपील हमको करना चाहिए, गरीबों का पेट भरे, गरीबों को खाना मिले, गरीबों के चूल्हे जलें, ऐसी अपील क्यों नहीं है? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, हम सब इस समाज के हिस्से हैं। क्या हमारे समाज में वो लोग के लिए हम दुआ नहीं कर सकते? उन लोगों के लिए हम ये अपील नहीं कर सकते कि उनके घरों में चूल्हे जलें? उनके लिए क्या ये अगर एक आवाज़ पूरे देश की, पूरे लोगों की निकले और ये अपील अगर सब लोग करें, साथ भी है, ये मुसीबत है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारी प्रकृति को शांति भी थी। जिस तरह का प्रदूषण फैल रहा था साधनों से, फैक्ट्रियों से, क्रेशर मशीनों से, वो थोड़ी प्रकृति को राहत मिली थी। और आज ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? पटाखे क्यों छूट रहे हैं? आप सुन रहे हैं इस तरह की आवाज़ को? क्या प्रधानमंत्री ने ये बोले थे? क्या आपका दिल गवाह देता है कि आप ऐसी खुशियां मनाओ? हो सकता है कि आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप पटाखे खरीद कर छुड़ा सकते हैं, क्योंकि पटाखे इतने महंगे हैं। एक तरफ जहां पर यह था कि लॉकडाउन है, सारी मार्केट बंद होगी, सारी दुकानें बंद होगी, ये पटाखे कहां से आ गए? कौन सी फैक्ट्री से पटाखे आ गए? कौन सी दुकान ऐसी खुली कि लोगों को पटाखे दे दी? साथियों, आप अपने अपने दिल में हाथ रख करके थोड़ा जी सुकून से आप सोचिए और मनन करिए कि भूखे लोगों का
भूखे लोगों के लिए क्या आप 9 मिनट दुआ भी करेंगे? ये जो पटाखों की दड़दड़ाहट है, क्या इससे आपको सुकून मिलेगा? साथियों, मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी थोड़ा बताने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए। मैं ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहती हूँ, तो बस मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया इतनी बावरी क्यों है, लोग इतने बावरी क्यों हैं? आपने देखा कितनी ज़ोर की धड़ाम की आवाज़ आई है, ये बांदा की आवाज़ है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देते हैं और हम मान जाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आस्था अपनी तरफ से है, लेकिन एक बार इस आस्था के बीच में ज़रूर से अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए कि जिन गरीबों के चूल्हे नहीं जले, वो दिया कहाँ से जलाएंगे? जिनके लिए सब्जी पकाने के लिए तेल नहीं है, जिनके घर में खाने के लिए नहीं, वो कहाँ से दिया खरीदा होगा? वो कहाँ से जलाएगा? वो कहाँ से मोमबत्ती खरीदेगा? जिनके घर में मोबाइल भी नहीं है, वो कहाँ से दिया जलाएगा? साथियों, सबके बारे में सोचिए। बस मैं अपनी लाइव को यहीं से समाप्त करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ उन गरीबों को लिए, मज़दूरों के लिए, कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जले हैं, उनके घर में चूल्हा जले, वो भी खाएं। मैं इसलिए विचार को प्रकट कर रही हूँ क्योंकि मेरी लगातार मज़दूरों से बात हो रही है, ग्रामीण लेवल पर, जो अलग अलग जगहों पर हैं, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, सूरत में, बिहार में, अलग अलग तरह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। उस चीज़ को मुझे प्रकट करना था, आप तक पहुंचाना था, तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़े। जो भी आपके सवाल हों, कमेंट हो, आप भेजते रहिए। मैं इस टाइम पे सबके सवालों के जवाब तो नहीं दे पाई हूँ, लेकिन ज़रूर मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो साथियों, मैं अपनी लाइव को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे लाइव में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।